हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 12th हिस्ट्री। वी हैव ऑन गोइंग चैप्टर नंबर 6, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। दिस इज वीडियो नंबर 3 एंड टुडे वी हैव डिस्कस टॉपिक नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। एंड टुडेज टॉपिक न्यू स्टैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशनल 5.1, जिसके अंदर है बेटा फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। सो यू नो कि हमने पहले वाले दो वीडियोस के अंदर सूफिज़म के बारे में और भक्ति मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। सो अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। यहाँ पे हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा इस्लामिक कल्चर कैसे डेवलप हुआ और कैसे वो इंडिया में आए बेटा। ठीक है, सो इन 711 ऑन द अरब जर्नल नेम मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वर्ड सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक अरब ट्रेडर्स था, उसका नाम था बेटा मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध को, सिंध एट द टाइम द पार्ट ऑफ आल्सो द इंडिया, बिकॉज यू नो अभी तो ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में है, बट पहले ये इंडिया का पार्ट था। यहाँ का एक राजा था बेटा राजा दाहिर, ठीक है, उसको ये डिफीट करता है। एंड सर लेटर द इन द 13th सेंचुरी द तुर्क एंड अफगान इस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत। ठीक है बेटा, यहाँ पे सेंचुरीज में आपको बता रखा है, ऐसे दिल्ली सल्तनत 1206 में इस्टेब्लिश होती है एंड कंटिन्यूड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल्स एम्परर इन 16th सेंचुरी। और ये बेटा 16th सेंचुरी तक दिल्ली सल्तनत चलता है। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन, जहाँ पे डिफीट होती है इब्राहिम लोदी की, और बाबर इस्टेब्लिश विल बी मुगल एम्पायर। इसके बाद है बेटा मुस्लिम रूलर्स वर बी गाइडेड बाय द उलेमा। अब जितने भी मुस्लिम रूलर्स हुए बेटा वो किससे गाइड हो रहे हैं, वो बेटा उलेमा से गाइड हो रहे हैं। एंड हु वाज द उलेमा, उलेमा आर द स्कॉलर्स ऑफ द इस्लामिक स्टडीज़। बेटा ऐसे विद्वान जो इस्लामिक कल्चर को इस्लामिक स्टडी में यू नो अपने आप में स्कॉलर्स थे, वी नोन हैं उलेमा। जिमी मीनिंग द प्रोटेक्टेड डेवलप्ड फॉर द पीपल्स हु फॉलोड द रिवेल्ड सैरिक पिक्चर्स सच एज द जेस एंड द क्रिश्चियस एंड लिव अंडर द मुस्लिम रूलरशिप। ठीक है, अब जिमी क्या है बेटा, जिमी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट का होगा। देन दे डेवलप द पीपल्स हु फॉलो द रिवेंट एंड सैरी पिक्चर्स, दे पेड द टैक्स कॉल्ड जजिया, उनसे एक टैक्स लिया जाता था बेटा, दे पे द टैक्स कॉल्ड इज जजिया। ठीक है, जजिया टैक्स देती थी। एंड रूलर्स ऑफन अडॉप्ट द फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, सर्वर रूलर्स गेव द लैंड एंडोर्समेंट एंड ग्रांटेड टैक्स एक्सपेक्टेशंस ऑन द हिंदूज जैना जोरास्ट्रियन क्रिश्चियंस एंड ज्यूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आल्सो। नाउ द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ द इस्लाम, यहाँ पे हमें सबसे पहले इस्लाम के बारे में पढ़ना बेटा। सो ऑल दोज हु अडॉप्ट द इस्लाम एक्सेप्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ 5 पिलर्स ऑफ द फेथ। अगर कोई भी बेटा जो इस्लाम को अडॉप्ट करता है और इस्लाम में कंटिन्यू करता है बेटा, तो सो ऑल दोज हु अडॉप्ट इस्लाम एक्सेप्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ 5 पिलर्स। अब इसमें बेटा फर्स्ट है देयर इज़ वन गॉड, ठीक है, एक ही गॉड है एंड देयर नेम इज़ गॉड अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, द प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर, और प्रॉफिट मोहम्मद उसके मैसेंजर है बेटा, और मैसेंजर को इन दिस टर्म वी नो है शहादा। सेकेंड ऑफरिंग द प्रेइंग 5 टाइम्स ए डे, और दिन में 5 बार प्रेयर करना, वी कॉल नमाज और सलात। गिविंग अल्म्स जकात, टैक्स देना, ठीक है बेटा, दान देना। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान सुआन, ठीक है, पूरा फास्टिंग रखेंगे रमजान के मंथ में। एंड फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान सुआन एंड द परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का की यात्रा करना भी नोन एज हज। सो ये बेटा उनको पहले 5 फेथ थे जो उनको अडॉप्ट करने होते थे। देन आर दिस डाइवर्सिटीज ऑफ द प्रैक्टिस डाइवर्ट फ्रॉम द सेक्टेरियन एफिलिएशंस सुनी एंड सिया, देयर इज द टू सेक्ट सिया एंड सुनीस इन्फ्लुएंस द लोकल कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ द कन्वर्ट फ्रॉम द डिफरेंट सोशल वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल द खोजास सिया सेक्ट है बेटा। सो डेवलप द गिनान एंड द डिवोटेशन द पॉइंट्स इन द पंजाबी मुल्तानी सिंधी कुछ हिंदी गुजराती एंड सिंग द स्पेशल रागस ड्यूरिंग डेली प्रेयर मीटिंग। सो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स हु सेल्टर्स अलोंग द मालाबार कोस्ट, ठीक है, केरल का जो एरिया है बेटा मालाबार कोस्ट, अडॉप्ट द लोकल लैंग्वेज मलयालम, लोकल कस्टम मैटरलिनी एंड द मेट्रोनिकल रेजिडेंस। ठीक है, ये अब जो अरब जितने भी बेटा मुस्लिम ट्रेडर्स हैं वो आ रहे हैं मालाबार कॉस्ट पे बेटा, तो यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है लोगों का, जो मलयालम लैंग्वेज है, लोकल कस्टम्स है, मैटरलिटी, जहाँ पे बेटा ट्रैक्स ऑफ द मदर्स नेम, जो सारी चीज़ें हो रही है, उन चीज़ों को इन्होंने बेटा अडॉप्ट किया।
some architectures, features of the mosques and the universal orientations towards the Makkah, evident of the placement of the mihrab, prayer niche and minab pulpit. तो आप यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे तीन चार पिक्चर्स दे रखे हैं. जब आप बुक में देखते हैं तो आपको बेटा आतिया मॉस्क्यूज का एक पिक्चर दे रखा है, देयर आल्सो इन द बांग्लादेश, ठीक है, और कश्मीर में एक हमदान मॉस्क्यूज है बेटा, उसका टाइम पिक्चर दे रखा है, ठीक है. तो ये पिक्चर्स याद रखना. और यहाँ पे बेटा यू नो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर्स जो था वो चेंज हो गया. यहाँ मीनार बनने लगे बेटा, और यहाँ पे मीनार बनने लगे. नेम ऑफ द कम्युनिटी, जो संस्कृत टेक्स्ट एंड द इंस्क्रिप्शन डेटिंग इन द बिटवीन 6th to 7th century. अब जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हुए बेटा जो 7th century से 8th century के बिटवीन हैं, द पॉइंट आउट ऑफ टर्म द मुसलमान और द मुस्लिम वॉज वर्चुअली नेवर यूज्ड. तो उससे पहले बेटा उनमें कभी भी मुसलमान जो शब्द है या वर्ड है ये यूज नहीं होता था. सो तुर्किश रूलर्स वर द डेसिनेटेड एज द तुर्कशा. अब देखो ये कैसे ये नेम ऑर्गेनेट हुए बेटा, तो स्पेशली जो प्लेस से जहाँ से ये कनेक्टेड है या जहाँ से ये आए बेटा, उन्हीं के नेम के बेस पे इनका नेम बना बेटा. फॉर एग्जांपल जैसे तुर्काशा, तुर्काशा रीजन से जो भी लोग आए वे नोन है तुर्किश. तजाकिका, ताजिका, ताजिका लोग थे बेटा ताजिकास्तान से आए थे. एंड पाराशिका जो पीपल्स थे बेटा दे केम फ्रॉम द पर्शिया, ठीक है. तो पर्टिकुलरली रीजन बेस, पर्टिकुलरली इनका जो एरिया बेस था वहाँ से इनके नेम को डिनोट किया गया बेटा. जनरल टर्म्स ऑफ द यूज न्यू माइग्रेट कम्युनिटीज वॉज मलिचा. अब एक नया वर्ड यूज़ होता बेटा मलिचास, यू नो शका रूलर्स उर्द्रा दमन वी ऑल्सो कॉल द शकास. तो जो बेटा तुर्किश थी, जो अफगान्स थी और जो स्पेशली इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ आए बेटा, और जो शकास के नेम से इंडिया में फेमस हुए वी ऑल्सो नोन एज द मलिचास. Indicated that they did not the spoken language, that word not derived from the Sanskrit language. So now the growth of the Sufism in the early centuries of the Islam, the group of religious minded peoples called Sufis. जितने भी माइंडेड लोग थे बेटा जिनका एक ग्रुप बन गया था टर्नड ऑफ वी नोन हैज सूफी. सो टर्न टू द एक्सटिज्म एंड द माइसेक्सटिज्म इन द प्रोटेस्ट अगेन द ग्रोइंग द मेटलिज्म इन द कैलिपेट्स हैज द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अब देखो खलीफा या कैलिपेट्स, सो यू नो जब आपने 11th क्लास में इस्लामिक लैंड चैप्टर देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें आपने खलीफास के नेम सुने होंगे बेटा. सो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद देर आर टोटल 4 खलीफास, ठीक है, अबू बकर, उस्मान, उथमान एंड अली. तो उसके बाद ये क्या थे, ये लोग बेटा स्पिरिचुअल हेड बन गए थे पूरा जो भी इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक कल्चर है, उसको ये बेटा यू नो गाइड कर रहे थे. और एक तरह से पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कौन थे, खलीफा थी. तो सूफी सॉट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस. अब सूफी लोग क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको ये सिखा रहे हैं, ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो कुरान है उसको उनके बेसिक एक्सपीरियंस के बेस पे वो पब्लिक को इंटरप्रेट कर रहे थे, और इस बेस पे वो पब्लिक को बेटा गाइड भी कर रहे थे. एंड 6.1 खानगाह द सिलसिला. देखो बहुत सारे सिलसिला है ऐसे तो स्पेशली, बट हमारे इंडिया में जो स्पेशली सबसे फेमस सिलसिला देयर इज़ द चिश्ती सिलसिला, ठीक है. सो सूफी बिगेन टू द ऑर्गेनाइज कम्युनिटी अराउंड द हॉसपिक और द खानगाह. अब देखिए खानगाह क्या है, स्पेशली जो कम्युनिटी है उसके जहाँ पे भी वो रह रहे बेटा, और जो एरिया उन्होंने डेवलप किया है नोन हैज खानगाह, डेट इज़ द पर्शियन लैंग्वेज सब कंट्रोल बाय द टीचिंग मास्टर नोन हैज शेख, पीर और मुर्शीद, ठीक है, मुर्शिद जिसको शेख भी कहें, पीर भी कहें या मुर्शिद भी कहें. ही एनरोल डिसिप्लिन एंड अपॉइंटेड ए सक्सेसर्स, इस्टेब्लिश रूल्स फॉर द स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन द इनिमेट्स एज वेल हैज बिटवीन द ले पर्सन एंड द मास्टर. सिलसिला लिटरली मीन ए चेन. देखो वैसे तो बेटा इसका मीनिंग होता है एक चेन, क्योंकि बिकॉज यू नो यहाँ पे एक चेन से दूसरा चेन ये कनेक्ट होते हैं बेटा. एंड चेन टू द क्रिस्टलाइज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 20th century. सो इन द सिग्निफाई ऑफ द कंटिन्यूस लाइक बिटवीन द मास्टर एंड द डिसिप्लिन स्ट्रक्चिंग हैज द अनब्रोकन spiritual genealogy to the Prophet Muhammad. So spiritual rituals to the initiation were the developed in which initiate took in the oath of the Angelians wore the patches garment and their hair. So when Sheikh died, increased the practice of the pilgrims or the ziyarat on his grave. अब देखो बेटा जब शेख का डेथ हो जाएगा तो ये जब लोग उसकी ज़ियारत करने जाती थी, जो हम कहते हैं बिली यू नो पिलग्रिम्स, जो एक ट्रैवलिंग होती है वी नोन एज ज़ियारत. पीपल्स बिलीव्ड
That is the death of the saint where the united with the God and where he is closer to him than when living. So many scorned and the Kanga and took the medicinery and observed the celibacy and then were be known by the different name Kalandar, Madarians, Malangs and Hadris. And they were often referred to be Basharia in the contracts of Basharia, Sufis who complained with this. So you know, in this topic we have discussed the basically Kanga and the Silsila and also the growth of Sufism in India and the name of the particularly communities based on their origin place. So in the thank you in this video, Vita. Thank you.